नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग कंटोला का पौधा जो जंगल से लाए हैं, देसी कंटोला, इसको जगाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग अभी ढेकरा डाल रहे हैं, हमारे देसी भाषा में इसको ढेकरा बोलते हैं। दोस्तों, ये अपना अभी झाड़ी को डाले हैं, इसके बाद हम लोग इसको अभी अच्छे से दबा लेंगे मिट्टी से, ताकि गिरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, एक कंटोला मतलब इसको खेक्सी बोलते हैं देसी भाषा में। ये अपना अभी कंटोला का पौधा है, खेक्सी का। इसमें एक छोटा सा कांदा होता है, जड़, जैसे आप जड़ी बोलते हैं उसको कांदा ही बोलते हैं। तो मात्र इसका कांदा को हल्का हल्का दबाना है, उसको ऊपर तक मतलब नहीं करना, मात्र उसको कंद को दबाना है। इसमें अभी जगाते टाइम हम लोग कुछ भी खाद नहीं डाले हैं, अभी खाद डालेंगे तो इसका जो जड़ जो रहता है वो गलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, इसमें अभी इसका जो नार है इसको भी अच्छे से हम लोग इस झांटी में पूरा लपेट लेंगे, ताकि नीचे में मतलब पानी पड़ के गलना नहीं चाहिए। दोस्तों, आप लोग के एरिया में इसका पौधा देसी वाला मिलता है कि नहीं मिलता, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद दोस्तों, जब ये जड़ अगर मिट्टी के साथ, जैसे जड़ बन जाएगा, जड़ पकड़ लेगा मिट्टी के साथ, तब इसमें हम लोग बेसल डोज के हिसाब में हल्का सा DAP और हल्का सा सागरिका या बायोविटा का जो भी खाद रहता है उसको हल्का हल्का डालेंगे साइड से। ये सेम अपना करेला का पत्ता टीसे रहता है, लेकिन एक करेला का पत्ता थोड़ा अलग रहता है, इसका पत्ता अलग रहता है एक हेक्सी का। ये देसी वाला हेक्सी है दोस्तों। अभी इसमें दोस्तों पानी डालेंगे, एकदम ज़्यादा भी नहीं डालना है, हल्का हल्का डालना है पानी। ये लगभग हफ्ता 15 दिन के बाद इसका जड़ पकड़ेगा, उसके बाद नया मतलब शाखा जैसे निकलेगा, तब समझ में आ जाएगा कि ये अभी पौधा मतलब जड़ पकड़ लिया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके।